चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। कुछ नहीं मिल रहा, बाकी तो जो आ रहा सरकार दे रही, मंत्री उंदरी सभी। सिलेंडर महंगा हो रहा है, देखो आप पेट्रोल इतना महंगा हो गया। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा काम बढ़े और आने वाला हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य अच्छा हो। सीसीए चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। कुछ देर पहले हम आपके सामने सहारनपुर की लकड़ी इंडस्ट्री की कहानी लेकर आए थे। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लकड़ी के व्यवसाय जो है, जिस लकड़ी का जो काम होता है यहाँ पर, जो सहारनपुर की पहचान का एक अहम हिस्सा है। यहाँ पर इसके तहत फर्नीचर बनता है, इसके तहत हैंडीक्राफ्ट बनता है और कम से कम 2.5 से 3 लाख यहाँ पर लोग इससे रोजगार पाते हैं, इस व्यवसाय से रोजगार पाते हैं। हमने इससे पहले जो यहाँ के बिजनेस चलाते थे, चाहे वो एक्सपोर्टर्स थे, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट में वो काम करते हैं, उनसे बातचीत करी थी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं जो दरअसल इससे अपना रोजगार पाते हैं, चाहे वो मजदूर हो चाहे वो सप्लायर हो। साहब आपका नाम? सर अजय कुमार। अजय जी, अजय जी आप इसमें आप क्या काम करते हैं, इस लकड़ी के व्यवसाय में आपका क्या काम है? सर मेरा पेंटर का काम है। सर पेंटर का काम जी। और कितनी देर से आप ये कर रहे हैं? 12-13 साल हो गए सर। 12-13 साल हो जी। इन 12-13 सालों में अभी क्या आपको लग रहा है कि ये जो बिजनेस का जो असर है, आपका काम क्या बढ़ा है या घटा है? सर घटा है। अच्छा? लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह जी। क्या हुआ है बताइए थोड़ा। सर पहले ओवर टाइम लगता था हमारा, अब ओवर टाइम नहीं लग पा रहा है। ओवर टाइम नहीं लग पा रहा है तो ओवर टाइम की वजह से आप दिन में कितना कमा लेते थे, अब कितना कमा रहे हैं? सर पहले हम 500-500 रुपए कमा लेते थे, अब 400 रुपए करीबन कमाते हैं। 400 रुपए करीबन कमाते हैं। आपका नाम साहब? मोहम्मद अफजल। अफजल साहब आप क्या सप्लायर हैं? नहीं हम पेंटर हैं जी। आप भी पेंटर जी? जी। आप भी क्या पर आवर या पर पीस कमाते हैं? नहीं पर पीस का हिसाब है हमारा। पर पीस जी। अफजल साहब आप कितना कमा रहे हैं? पहले तो अब जो है सामान महंगा हो गया, एक तो मटेरियल बहुत महंगा हो गया और लेबर बहुत महंगी हो गई। पहले जो है 15-20 हज़ार रुपये महीने में बच जाते थे, अब कभी 13 हज़ार बचते हैं महीने में, कभी 10 हज़ार बचते हैं। मटेरियल महंगा होने की वजह से जो लॉकडाउन में इतना काम टूट गया था बहुत ज़्यादा, अब तो जो है आधा भी काम नहीं रहा, 50% हो गया। अच्छा आपका नाम साहब? जी मेरा नाम नसीम है। जी नसीम। नसीम साहब बताइए। मैं सहारनपुर का हूँ और 12-13 साल मुझे इस काम में हो गए, पुलिस के काम में, और काफ़ी दिक्कत परेशानी लॉकडाउन की वजह से, नोटबंदी की वजह से। नोटबंदी जब से हुई थी जब से हमारा काम 40% रह गया था। अच्छा जी। जो मजदूर हमें 400 रुपये में मिला करता था, अब वो 500 रुपये में भी नहीं आने को तैयार है। वो क्यों नहीं है? एक तो महंगाई दुनिया भर की, उनका घर का खर्चा नहीं पूरा हो पा रहा। 400 रुपये में क्या होगा बताओ, उधर सामान मेगा तो हम तो इस टाइम बिल्कुल डूबे गए हैं, कहीं से कहीं तक का हमारा कोई काम नहीं हो रहा। तो आप लोग ये जो मजदूर कह रहे हैं कि मतलब अब नहीं जुड़ रहा है, आप भी जानते होंगे अजय भाई, जो लोग आपके आपके जान पहचान के भी लोग हैं जो पहले इस लकड़ी के बिजनेस से मजदूरी करते थे और अब उनका ये काम छूटा है? छूट चुका है सर। कितने लोगों का? बहुत आदमी, काफी लोग, काफी लोग है सर जिनका काम छूट चुका है। हमारी फैक्ट्री में कम से कम उस टाइम पे 40-50 आदमी काम करते थे और अब 10 या 15 आदमी करीबन है। और कर क्या रहे हैं वो लोग? सर वो मजदूरी कर रहे हैं सर। कहाँ पर, मतलब क्या मजदूरी कर रहे हैं? यही राजमिस्त्री के पास। ठीक है। रिक्शा चला रहे हैं हमारे जो कारीगर थे ना, वो रिक्शा चला रहे हैं। कोई जो है लक्कड़ ढो रहा है, कोई बात कहने की है, जो हमारे कारीगर मेन थे ना वो जो है बिल्कुल, कोई रिक्शा चला रहा, कोई चप्पल बेच रहा, कोई फलों की रेडी लगा रहा,
यहाँ काम ना होने की वजह से। अजय जी आप मुझे बताइए, आप लोग जब चुनाव होता है, अजय जी और आपके यहाँ हिंदू मुस्लिम सब यहाँ बैठे हैं और व्यवसाय और पेट तो सबका है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, ठीक है, आप लोग को क्या लगता है कि हर बार चुनाव, इस बार भी मतलब वही 80 बनाम 20 की बातें शुरू हो गई हैं, ये सब हो गया है, क्या आपको लगता है कि दरअसल इस सब में ये जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर पूरी राजनीति हो जाती है, आप लोगों के जो मुद्दे हैं, जो मजदूर है, जो सप्लायर, आप लोगों के मुद्दे कहीं ना कहीं मारे जा रहे हैं, कि आप उम्मीद करते हैं कि इन मुद्दों की जगह आप लोगों के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए? हम ये चाहते हैं इस मुद्दों को छोड़ के जो है कारोबार के ऊपर, कारोबार बढ़े, इसके ऊपर चुनाव हो। हम ये नहीं चाहते हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर मस्जिद के ऊपर चुनाव हो। हम ये चाहते हैं कारोबार बढ़े और जो आने वाला कल है उसमें हमारे बच्चे खुशहाली की ज़िंदगी जिए। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा काम बढ़े और आने वाला हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य अच्छा हो, वो हमारी तरह 400-500 रुपये की मजदूरी ना करें, क्योंकि इसमें 400-500 रुपये में घर का खर्चा चल नहीं पाता। तो आपको लगता है कि क्या जो सरकार है ये मुद्दे उठा रही है? नहीं सर, ऐसा कोई मुद्दा नहीं उठ पा रहा है, क्योंकि महंगाई की वजह से अब जैसे काम नहीं चल पा रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ था, अब बच्चे ये कोरोना की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, फीस रेगुलर जा रही है बच्चों की, उसमें कोई फीस कम नहीं लेते, वो हर महीने के लेते हैं अपने, उतना ही ले रहे हैं सर वो, इस वजह से बच्चे भी परेशान हो रहे हैं घर में, वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और ना कुछ सीख पा रहे हैं, वो फीस बराबर जा रही है सर। सिलेंडर महंगा हो रहा है, देखो आप, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डीजल, सरसों का तेल इतना महंगा हो रहा है, महंगा हो गया, खाने की चीजें इतनी महंगा हुई है, वो भी खाई नहीं जा रही है। आप लोगों को जो नुकसान हुआ था लॉकडाउन की वजह से और बाकी वजह से, जो मतलब इस पूरे व्यवसाय को लॉकडाउन और आप लोगों को उसका भी काफी कुछ झेलना पड़ा है, तो सरकार की तरफ से कोई ऐसी नीतियां आई हैं कि लेबर कार्ड के तहत या बाकी चीज के तहत आपके जेब में पैसा, बैंक में पैसा आ रहा हो, कुछ स्कूल की शिक्षा के लिए, मतलब कुछ सरकारी स्कूल सुधरे हों ताकि प्राइवेट में ना भेजना पड़े, कुछ इस तरह की नीतियां आई हैं जहां पर मजदूरों को मदद मिली है? नहीं सर, ऐसी कोई सुविधा नहीं आई है हमारे बीच, कुछ भी नहीं आया, कोई सुविधा नहीं आई है सर, सिर्फ ये जो डिपू सर राशन मिल रहा है यही मिल रहा है जी, इसके अलावा और इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है सर, डिपू का ये जो और कुछ नहीं मिल रहा, बाकी तो जो आ रहा सरकार जरी मंत्री मंत्री सब ये कर देते हैं, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, जनता तो 0/0 खड़ी सर। हाँ, जिस कुर्सी पर मैं फिलहाल बैठा हूँ, ये इन्हीं वर्कर्स की, इन्हीं मेहनतकशों की मेहनत से बनी है, और अगली बार आप भी जब किसी एक हमारे दर्शक ऐसी एक खूबसूरत सी कुर्सी पर बैठेंगे, कभी खूबसूरत सा एक हैंडीक्राफ्ट अपने लकड़ी का घर पे देखेंगे, तो याद रहे इसके पीछे वो लोग हैं जो आज अपनी रोज़ी रोटी कमाने में भी उनको बहुत दिक्कतें हो रही हैं। उम्मीद तो यही थी कि चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा, लेकिन फिर से सत्ताधारी पार्टी ने 80 बनाम 20 के नारे देने शुरू कर दिए हैं, कहीं किसी कस्बे के पलायन के एक धार्मिक रूप देना शुरू कर दिया है। उम्मीद यही की जा सकती है कि वापस यही रोज़ी रोटी के मुद्दों पर हमारी राजनीति हो, इन्हीं रोज़ी रोटी के मुद्दों पर वोट पड़ें, और शायद हिंदू मुसलमान हो, पेट सभी का ही है, मजदूर सब हैं, क्या उन मजदूरी के सवाल उठेंगे, और हम क्या हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति से उठकर क्या उन मजदूरों के, क्या उन किसानों के मुद्दों पर ये चुनाव लड़ पाएंगे। CCA चुनावी चर्चा के साथ आप लोग जुड़े रहें, पूरे उत्तर प्रदेश से इस तरह की चुनावी कहानियाँ आप तक आती रहेंगी। आप सभी का CCA के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो सुबह।